हम सबने अपना बचपन बिताया है। ये वाली जनरेशन कुछ मजे हैं जो कभी समझ ही नहीं पाएंगी उनका मजा क्या होता है। वो तीन आदमी का एक ही काम में एंगेज होना, एक एंटीना के पास, एक बीच में और एक टीवी के पास। हाँ इधर इधर कर रहा, टीवी साफ आया कि नहीं आया। वो एक ही चीज में दो बार मजे आना, एक बार लाइट जाने का मजा, बच्चा पार्टी ऊपर चलो, और एक बार लाइट आने के बाद का मजा आना। ये जनरेशन नहीं समझ पाएगी। ये जनरेशन उस बात का मजा नहीं ले पाएगी कि जब हम एक एक चिट्ठी के इंतजार में कई कई दिन बिताया करते थे। एक एक चिट्ठी आती थी तो हम उसे पढ़ा करते थे, फिर वो रिप्लाई जाता था और वहां पर जाता था, फिर वहां से रिप्लाई आता था। ये जनरेशन इस बात का मजा नहीं उठा पाएगी। ये जनरेशन अपने पापा के डर का मजा नहीं उठा पाएगी कि बाप का डर क्या होता है। ये जनरेशन उस बात का मजा नहीं उठा पाएगी कि नानी के घर जाना है, इसका मतलब होता है कि दो दिन या एक दिन या जो भी ट्रेन में बिताना है, और उसके बाद आते समय मम्मी रोएगी और नानी के लिपटकर फिर भी रोएगी, तो इस बात का मजा ये जनरेशन नहीं उठा पाएगी। ये जनरेशन इस बात का मजा नहीं उठा पाएगी कि अगर कोई छोटा से छोटा फंक्शन भी अगर नानी घर में है तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ आना है, कोई शादी है तो फूफा जी का नाराज होना जरूरी है। ये क्योंकि अब ना सब मॉडर्न हो गए, अब सब मॉडर्न हो गए, सब अंडरस्टैंडिंग हो गए। जैसे ही मैंने बोला फूफा जी के नाराज, इन्होंने ऐसे कर दिया। एक बार सारे जवाइयों के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि मेरे दिल में ना जवाइयों के लिए बहुत इज्जत है। मैं भी किसी का जवाई हूं, क्योंकि के आपने मारवाड़िया में तीन ही देव पूजा जावे, गणेश जी महाराज, पितर जी महाराज, जवाई जी महाराज। गणेश जी और पितर जी तो फिर भी मान जाए, ऐ कौन मान रहा है। तो आइए इन्हीं हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ शुरू करते हैं बैक टू बचपन।